हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी प्याज के पकोड़े की शानदार रेसिपी, वो भी खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब बिना कोई देर के शानदार से प्याज के पकौड़े की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 250 से 300 ग्राम प्याज लिए हैं। छोटी बड़ी कोई भी साइज़ आप प्याज ले सकते हैं। और मैंने प्याज को इस तरह से अच्छे से छील लिया है। उसके बाद मैं आपको इसको कट करना बताती हूँ कि इसे कैसे कट करना है। इस तरह से प्याज के पहले दो हिस्से कर लेने हैं, दो पार्ट में से डिवाइड करना है। उसके बाद इस तरह से बिल्कुल पतली पतली सी बारीक बारीक सी इसकी कटिंग निकालनी है। जितनी बारीकी से आप प्याज को काटेंगे, जितने अच्छे से इसके लच्छे बनेंगे, जितने पतले पतले इसकी कटिंग होगी, उतने ही आपकी पकौड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। आप चाहे तो इस तरह से हाथ में लेके काट सकते हैं, या फिर किचन काउंटर पर रख कर इस तरह से ऐसे काट सकते हैं, चॉपिंग बोर्ड पर रख कर, जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसी आपकी चॉइस, जैसे भी आपको सूट करें, आप उस तरह से प्याज को इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग निकाल लें। बस आपको कटिंग बारीक ही निकालनी है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। ये देखिए, मैंने सारे प्याज को बहुत ही अच्छे से काट लिया है, बिल्कुल पतली पतली सी इसकी कटिंग निकाली है। अब मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है, और यहाँ पर धनिया लिया है फ्रेश, इसको भी मैंने बारीक कट करके रख लिया है। पहले आपको सारी चीज़ों को इस तरह से काट के रख लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम इस टाइम पर मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है, क्योंकि अभी हमें मिक्सचर बनाना बाकी है। ये देखिए, मैंने इस तरह से एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उसके अंदर हम ये सारे प्याज को ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले हमें इसमें नमक ऐड करना है, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथ से अच्छे से क्रश करते हुए डालना है, इससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। देखिए, इस तरह से अच्छे से क्रश करते हुए डालना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को भी इस तरह से हाथों से क्रश करते हुए डालना है। अगर आप 1 चम्मच अजवाइन ले रहे हैं तो जीरा थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर। अब इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये फ्रेश हरा धनिया। दोनों चीज़ों को हम एक साथ अभी ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। हमें इसको बहुत ही अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है, ताकि प्याज का एक एक लच्छा अलग अलग हो जाए। जितने अच्छे से इसके लच्छे बिखरे बिखरे होंगे, हमारे प्याज के पकौड़े उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये प्याज के पकौड़े को क्रिस्पी बनाने की बहुत ही खास टिप है कि आप प्याज को बिल्कुल बारीक कट करें, और जहाँ तक हो सके उसके लच्छों को बिल्कुल बिखेर दें। ये देखिए, मैंने कितने अच्छे से प्याज को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है, बिल्कुल इसके लच्छों को इस तरह से अच्छे से बिखेर दिया है, और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। सबसे पहले आपको नमक ही ऐड करना है मसालों में, इससे कि प्याज को जितना पानी छोड़ना होगा वो छोड़ देगा। अब इसमें ऐड करेंगे ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं, और इसके बिना प्याज के पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने की दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। 3 चम्मच मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। आपको प्याज के पकौड़ों में बेसन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही कम आपको इसमें बेसन लगता है। बहुत ज़्यादा आप इसमें बेसन ऐड ना करें। ये देखिए, मैंने इसके अंदर 3 चम्मच बेसन ही लिया है। आप एक साथ सारा बेसन ना डालें, आप चाहे तो स्टार्टिंग में 2 चम्मच बेसन डालें। और एक और ख़ास टिप ये है कि आपको इसके अंदर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्याज के अंदर का जितना भी पानी होगा वो अपने ही पानी से बेसन को वैसे भी घोल लेगा, अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको ये काली मिर्च का पाउडर डालना बताना भूल गई थी, तो मैं अब डाल रही हूँ। 1/3 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये देखिए, प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है, उससे ही हमारा बेसन जो है अच्छे से घुल गया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा टाइट सा लग रहा है, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब ही पानी ऐड करें, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए, मैं इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब पानी अभी
इसके अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद इसे चेक करेंगे कि ये मिक्सर परफेक्ट है या नहीं। अगर थोड़ा और कम लगेगा तो एक चम्मच पानी और इसमें हम ऐड करेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल बिना पानी के बनाना है, अगर आप इसे थोड़ी देर बाद बनाना चाहते हैं, अगर 15 मिनट के लिए आप इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे तो आपको ये 2 चम्मच पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 15 मिनट बाद बना रहे तो, अगर 7 का 7 बना रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच के करीब आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। बाकी प्याज के अंदर इतना पानी होता है कि हमें एक बूंद भी पानी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसे लिक्विड नहीं रखना होता है ज़्यादा, जैसे कि हम बेसन के पकौड़े दूसरे बनाते हैं उसमें रखते हैं, इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखना होता है। ये देखिए हमारा ऑयल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर इस तरह से बैटर लेंगे और इसमें डालेंगे। हमें प्याज के बैटर को रेंडमली ही डालना है, इसको कोई परफेक्ट शेप नहीं देना है। जिस तरह से हम दूसरी पकौड़ियों में देते हैं एकदम गोल गोल राउंड राउंड शेप, वैसा हमें कुछ भी नहीं करना है। रेंडमली हमें मिक्सचर को उठाना है और एकाएक हमें इसके अंदर डाल देना है। आपने मार्केट में भी देखा होगा कि प्याज के पकौड़े का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, आड़े टेढ़े उबड़ खाबड़ ऐसे ही प्याज के पकौड़े होते हैं और ऐसे ही वो अच्छे लगते हैं। आप इसे शेप देंगे तो वो वाली क्रिस्पीनेस, वो वाली बात नहीं होगी। इस तरह से आप रेंडमली उठाएं मिक्सचर को और इस तरह से इसके अंदर डाल दें। ये पहला तरीका है जो मैं आपको प्याज के पकौड़े बनाने बता रही हूँ। ये फर्स्ट बैच मैं बना रही हूँ। मैं प्याज के पकौड़े को मैंने 2 बैच में बनाया है। फर्स्ट बार में आप इस तरह से चाहें, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा ऐड किया है। अगर आपने चावल का आटा ऐड नहीं किया है तो आप किस तरह से प्याज के पकौड़े बनाएंगे? ये देखिए आप प्याज के पकौड़े देख सकते हैं कितना शानदार, कितना क्रिस्पी सा लग रहा है। देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि आप किसी भी तरह के पकौड़े बनाएं, पहले आपको तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना होता है। और जब आप बैटर को डालते हैं तेल के अंदर, उस टाइम पर आप गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर ही आपको पकौड़े को डालना होता है और फ्राई करना होता है, जब तक कि उनका कलर जो है अच्छा सा गोल्डन नहीं आ जाता, ताकि आपके पकोड़े जो है वो अंदर से भी अच्छे से पक सके। इसलिए हम पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं। मीडियम, आप देख सकते हैं हमारे प्याज के पकोड़ों का कलर कितना शानदार आया है, बिल्कुल गोल्डन कलर के हो गए हमारे पकोड़े और काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी यम्मी लग रहे हैं ये। बस इसी टाइम पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, वरना जला जला सा इसका टेस्ट आएगा और ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। एक बेस तो मैंने आपको इसे डायरेक्ट फ्राई करना बताया है, अगर आपने इसके अंदर चावल का आटा ऐड किया है तो आप इस तरह से डायरेक्टली बना सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, काफ़ी क्रिस्पी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपने बैटर के अंदर चावल का आटा ऐड नहीं किया है, या फिर आपको लगता है कि आपके पकौड़े जो हैं वो नरम हो रहे हैं, इतने शानदार क्रिस्पी नहीं हैं, देखिए एक दूसरी ट्रिक ये है कि आपको प्याज के पकौड़ों को लॉन्ग टाइम तक क्रिस्पीनेस बनाए रखने के लिए इसकी आपको किसी भी स्टनर के अंदर प्याज के पकौड़ों को रखना होता है, जिसे जाली वाले बर्तन के अंदर, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक क्रिस्पी बने रहें। अब दूसरी बेच में मैंने इसके अंदर प्याज के पकौड़े डाले हैं, इसको अब मैं पूरी तरह से फ्राई नहीं करूँगी, इसको मैं 70% तक कुक करूँगी और उसके बाद इसे निकाल कर बाहर रख लूँगी। इसे हम दोबारा फ्राई करेंगे। 70% कुक करने के बाद आप इसे बाहर निकाल लें और उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद या फिर आधे घंटे के बाद, जब भी आपको खाना हो, उन 70% पकाए हुए फ्राई किए हुए पकौड़ों को हम दोबारा से फ्राई करेंगे। थोड़ी सी हमें कसर रखनी होती है स्टार्टिंग में। जब आप पकौड़ों को दोबारा से फ्राई करेंगे तब आपके प्याज के पकौड़े फर्स्ट बेस से भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मार्केट वाले भी ऐसा ही करते हैं, दोबारा इसे फ्राई करते हैं। आपको जैसे भी पसंद हो, अगर दोबारा फ्राई करके आपको पकौड़े खाना पसंद है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, तो आप दोबारा फ्राई करके ही बनाएं, या फिर आप डायरेक्ट भी मेरी तरह फर्स्ट बैच में जो मैंने बनाए थे वैसे भी बनाकर खा सकते हैं। ये फर्स्ट बैच वाले पकौड़े हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अब सेकेंड बैच में जिसको को मैंने दोबारा फ्राई किया था, आप देख सकते हैं वो फर्स्ट बैच वाले पकौड़ों से भी ज़्यादा क्रिस्पी है, बिल्कुल बिखरते हुए पकौड़े हैं। आपको जैसे भी पसंद हो, ज़्यादा क्रिस्पी पसंद हो तो आप बिल्कुल इस मेथड को फॉलो करें, दोबारा से फ्राई करें 70% डन करने के बाद। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इन गर्मा गर्म क्रिस्पी प्याज के पकौड़ों को टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करें। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।